कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, INDIA यानी जो अपने आप को इंडिया गठबंधन कहते हैं, वो टेंशन में आ गए हैं। टेंशन में इसलिए कि कुनबा बिखर रहा है, जो भानुमति का कुनबा था। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, और अखिलेश यादव ने कहा कि वो कुल 11 सीटें कांग्रेस को देंगे। इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो 3 सीटें देंगे, और सबसे बड़ा जो एक तरीके से तुषारापात गठबंधन पर था वो ये कि नीतीश कुमार वापस NDA में आ गए हैं। हालांकि इस बात के कयास डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने पहले ही लगा दिए थे, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, और उनका जो आकलन है वो लगभग सही निकला। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा था जो वो सारी बातें मुझे लगता है कि उसी दृष्टि से या उसी दिशा में चल रही हैं। अब आप क्या देखते हैं आगे, क्या फ्यूचर देख रहे हैं कुल मिलाकर? 50-55 साल का अपना राजनीतिक क्षेत्र का अनुभव, एज ए ऑब्जर्वर, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ, एक विचारधारा से बंधा होने से कई बार हमारी बात को पत्रकार या आप लोग शायद उतना सीरियसली गंभीरता से नहीं लेते, गंभीरता से, कि उनको लगता है भी थोड़ा बहुत मन में बायस, एक नेता का वक्तव्य है। परंतु मैं इन सब चीज़ों का ऑब्जर्वर 62 से हूँ, जब से मैं 6 में था, और नियमित अखबार पढ़ना, और उस समय तो केवल ऑल इंडिया रेडियो था, परंतु अध्ययन करना, तो मैंने जितना लोहिया को अध्ययन किया, आचार्य नरेंद्र देव को किया, जयप्रकाश नारायण जी को किया, और 67 से मैं संघ का स्वयंसेवक के नाते पूरी राष्ट्रीय विचारधारा परिवार के जितने भी संगठन हैं उनका अध्ययन किया, तो अपनी तरफ से मैं कोशिश की हमेशा कि सबको बैलेंस करते हुए। गांधी जी का भी मैं समग्र रूप से अध्ययन किया, और मैं संघ में देवेंद्र स्वरूप जी को मानता था, जो संघ के पक्के सब कुछ होकर भी संपादक, लेखक, विचारक, गांधी जी का एक ढंग से थोड़ा मैं समझता हूँ जो उन्होंने वो किया हो अध्ययन, और उसकी अच्छाइयों को भी उभारा, ऐसे देवेंद्र स्वरूप जी थे। लोहिया जी का मैं शुरू से ही थोड़ा सा समाजवादी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में पला बढ़ा, यहाँ मेरा परिवेश में वहाँ कम्युनिस्टों का शासन रहा, राष्ट्र स्तर के कम्युनिस्ट पार्टी के जितने नेता हैं वो स्वतंत्र भारत मिल, DCM, इंडस्ट्रियल एरिया में आते थे, और मैं उनका सक्सेसर बन गया 83 में, उसी सीट से जीतते ही जी। जहाँ उनका वर्चस्व था, मैं क्यों समाजवादियों के साथ रहा हूँ, जेल में भी इमरजेंसी में था, तो इनके एक नेचर मैंने देखी, ये लोग लगातार 2-3 साल से ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं रह सकते, और 2-3 साल से ज़्यादा अलग भी नहीं रह सकते। वही नीतीश कुमार ने किया, नीतीश क्योंकि आखिर लोहिया जी का शिष्य है। एक जिस दिन ये आया था प्रधानमंत्री बनने, स्पष्ट था कि ये साहब को जोड़ा है इसी ने, ममता के पास सब जगह गया है, और एक थोड़ी क्रेडिबिलिटी ये तो थी इसकी, एक ईमानदार जो इसकी छवि है, परिवारवादी नहीं है और ईमानदार है, राजनीति में ये भी एक दुर्लभ चीज़ें हैं, परंतु वो बाकी DNA वही समाजवादी है। लोहिया जी, जयप्रकाश जी एक विचार के हो गए, एक नहीं हो पाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार की इच्छा थी PM बनने की, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पलीता लगा दिया। चलिए, ये तो हो गया। अब ये बताइएगा कि इसका किसको लाभ नफा नुकसान की अगर हम बात करें, क्योंकि आया राम गया राम की राजनीति, जो दल बदल की राजनीति है, इसको तो BJP भी इसकी विरोधी रही है। अब BJP ने इसको हवा दी एक तरीके से कि नीतीश कुमार को जो छोड़ के गए थे, बार बार बयान चल रहे हैं कि अमित शाह ने कहा था नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, और नीतीश कुमार ने भी कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन BJP में नहीं आऊंगा। तो खैर, राजनीति के अंदर स्थाई दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती, ये बात सत्य है, लेकिन अब इसका नफा नुकसान अगर देखें तो उसका आकलन करके बताइएगा आप। मैं देखो, समग्रता में लाभ होगा देश को, भारत को लाभ होगा, बिहार को लाभ होगा, क्योंकि अराजकतावादी तत्व जो 6 बजे के बाद घर से मेरी बच्चियां लेडीज निकलती नहीं थी, लालू के याद, जिसको जंगल राज वो आना शुरू हो चुका था, बेशक CM नीतीश थे परंतु डिप्टी CM के नाते और उनका जो कुनबा है उसने वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया, और लालू की शर्त क्या थी कि नीतीश दिल्ली चले जाएंगे संयोजक बन के और तेजस्वी को राज दे जाएंगे। वो पहला शर्त पूरी नहीं हुई जैसे, तो दूसरी तेजस्वी कैसे पूरी होगी,
तो वो तो उसी दिन लग गया था जब संयोजक नहीं बनाया, क्योंकि तीसरी चौथी मीटिंग में आते आते उखड़ना शुरू हो गया, सब अपना अपना दाव खेले। लेकिन स्वार्थ क्या था, सबका मैं बनूं और मोदी जी को हराने के लिए हमसे मिल जाएं, बने अगला कौन ये डिसाइड बाद में कर लेंगे, अभी कर लेंगे, उसमें तो होना ही था। मैं तो कई महीने से कह रहा हूँ ये बात, ये गठबंधन स्वार्थ पे आधारित है, नीति पे आधारित नहीं है। वीपी सिंह के टाइम थोड़ा बहुत नीति पे आधारित था कि करप्शन के अगेंस्ट देश अलग हुआ राजीव को हटाने के लिए, 70 में पूरा का पूरा इंदिरा जी के विरोध में इकट्ठे हुए। अब क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में जो स्थिति बनाई वो किसी के विरोध की जरूरत नहीं है उसे, वो प्रो इनकम्बेंसी के नाम से प्रो का उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बजाय प्रो के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और उनकी अचीवमेंट उनके साथ है, पहली बार गरीबी से दूर हटते हुए लोग देख रहे हैं, पहली बार 10 करोड़ लोगों को सबको धुएं से मुक्ति दिला दी, पीने का पानी पहुंच जाए जी, 4 करोड़ लोगों को मकान पक्का मिल जाए जिसमें सभी सुविधाओं से युक्त हो, ये लोग कल्पना नहीं करते थे। पहले देते थे इंदिरा आवास योजना में 30,000 रुपए दे दिए, ठीक है ये तो मैं समझ गया कि अब सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, जो आप कहना चाह रहे हैं, बजाय नकारात्मक करने के, आलोचना करने के। लेकिन अब अगर इंडिया गठबंधन के भविष्य को देखा जाए तो क्या देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि अब जो बीजेपी का रास्ता है 2024 में जब चुनाव होने वाले हैं वो और आसान हो गया? इंडी गठबंधन तो जब ममता ने कह दिया मैं अकेले लड़ूंगी, भगवंत मान ने कह दिया हम अकेले लड़ेंगे, तो कहाँ रहा गठबंधन? जो जहाँ मजबूत है वो वहाँ अपने अपने, डीएमके वाले को बोलने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस में 5-7 सीट लेके राजी हो जाएगी। तो बाकी हिंदी हार्टलैंड में मुकाबला बीजेपी से है, राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वहाँ कोई बाकी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है जी। उड़ीसा स्पेशल राज्य की वहाँ नवीन पटनायक का वर्चस्व है और दूसरी पार्टी बीजेपी है, दोनों मित्र भी हैं, दोनों आमने सामने भी हैं। आसाम में हेमंत ने दिखा दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट को, कांग्रेस विहीन कर दिया उसने। तो आज की तारीख में हमारे हिमाचल थोड़ा बीच का चल रहा है कांग्रेसी होके भी, आज भी राजा वीरभद्र का लड़का आ गया अयोध्या, या उन्होंने भी आधा दिन की छुट्टी घोषित की। तो आप देख रहे हैं झारखंड एंटी होकर भी प्रो भी है साथ साथ, उसने भी आधा दिन की छुट्टी घोषित की। तो आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो कांग्रेस विद इन अपने राज्यों में भी जिनमें उनकी सरकार है वहाँ भी वो अकेलापन सा आ गया। केवल कर्नाटका में रही, कर्नाटक में जो हमारे ही मुख्यमंत्री गए थे वहाँ बन के जीते भी जगदीश शेट्टी, वो लोग भी रिजाइन करके, सीट से भी रिजाइन करके वापिस आ रहे। ये बदलती हुई हवा है, और राम का जो प्रभाव है पूरे देश में, तमिलनाडु में मैं आज आपके इस नमो इम्पैक्ट पे बता रहा हूँ कि 40-39 प्लस एक पौंडिचेरी में 10 सीटें बीजेपी या सहयोगी जीतेंगे, बहुत बड़ा नंबर लगता होगा, लोग आश्चर्य करते हैं, पर तो आप नोट कर लेना। बिल्कुल हमने नोट कर लिया, 10 प्लस माइनस 1। बिल्कुल ठीक है, हम चुनाव के बाद इस विषय पे भी आपसे बात करेंगे। और तेलंगाना में हम कम से कम 7 सीटें, आंध्र में 3-4, इसलिए आज केरला में कम से कम 3 सीट, जिसमें हो सकता है शशि थरूर भी आप 10-20 दिन में सुन सकते हैं शायद भाजपा में आ ले। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है ये नेशन वाइड है, कश्मीर से कन्याकुमारी कहें या लद्दाख से लेके लक्षद्वीप कहें, आज पूरे देश में राष्ट्रवाद, राम राष्ट्र प्रतीक बन गए हैं, राम इज इक्वल टू राष्ट्र। बिल्कुल ठीक है। इस अयोध्या में मैं वहाँ था, जो मैंने देखा है वो बिल्कुल एक किस्म से अब दिव्यता भी है, भव्यता भी है, और परिवर्तन के सारे संकेत विद्यमान हैं कि इस देश का जिसका राज रहा हो उसका प्रधानमंत्री दरी पे बैठे राम भजन गा रहे हैं लंदन में या युगांडा में या अमेरिका के शहरों में, कोई विश्व का ऐसा स्थान नहीं था जहाँ भारतीय हो और उसने कोई ना कोई जुलूस निकालना, संकीर्तन करना, ये पूरे विश्व में भारतीय अपने आप को इसमें शामिल ना किया हो, छाप पड़ रही है। और 14 फरवरी को जब आपके पश्चिम एशिया के अंदर सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन जब मोदी जी करके आएंगे, घोर इस्लामिक देशों में ये आपको समझ आएगी कि क्या परिवर्तन हो रहा है। सऊदी अरब जो मक्का मदीना का देश है, उसका जो होने वाला राजा है उसके मोदी जी से जो आज इक्वेशन है, जो केमिस्ट्री है,
जॉर्डन जहाँ पर उनका वंशन माना जाते हैं मोहम्मद साहब, उनसे जो इक्वेशन है फ्रांस से जो अभी आए, एयर बस भी अब यहाँ बननी शुरू हो जाएगी और बोइंग भी, ठीक है, सोचा ही नहीं था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारत के ऊपर भारत के लोगों का सौभाग्य है। पिछले 75 साल में ये जो 10 साल ऐसे आए हैं कि इसमें अमृत काल शुरू हो रहा है और हम सब साक्षी भी हैं और इसके वो हिस्सेदार भी हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने कहा कि INDIE गठबंधन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी जी इस वक्त बिल्कुल सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और आज जो घटनाक्रम हुआ है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है उस पर एक मंझे हुए राजनेता की तरह उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।